नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है एक नए फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं किसी फोन को कैसे फ्लैश करना होता है। फ्लैश का मतलब है आपका फोन डेड हो चुका है, या आपका फोन का ओएस काम नहीं कर रहा है, या आपका फोन का लोगो ओपन आ गया और उसके आगे आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको फोन को फ्लैश करना होता है और इस मेथड से आप किसी भी फोन को कर सकते हो, यानी कि MI का है, Vivo का है, Oppo का है, इंटेक्स का है, किसी भी फोन को, यानी माइक्रोमैक्स का भी है। तो आप इस मेथड से आप पूरी तरह अपने फोन को फ्लैश कर सकते हो बिना टाइम वेस्ट करे। हम वीडियो के और आ जाते हैं, यानी स्टेप वाइज बताएंगे आपको क्या क्या करना है। तो आपको सबसे पहले स्टॉक रूम डाउनलोड करना है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपना गूगल खोल लिया है। यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टॉक रूम फॉर आपका जो भी मॉडल है, जो भी आपका डिवाइस है, आपका ओप्पो का है, वीवो का है। आपको यहाँ पर दबा के आपका मॉडल नंबर कंफर्म दबाना, मॉडल नंबर एग्जैक्ट होना चाहिए, यानी आपका जो हाथ में डिवाइस है वही होना चाहिए, गलत मॉडल नंबर मत दबाइएगा। यहाँ पर जो इतने सारे रिजल्ट आ रहे हैं इसमें से कोई भी टॉप 5 में से किसी भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक कर लिया, यहाँ से मैं इसे डाउनलोड कर लूँगा और ये एक जिप फाइल आएगा, तो इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको बेस्ट सॉफ्टवेयर बता दो वो है विनरार, और बहुत अच्छा फ्री टूल है जहाँ पर जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सेम आपको आ जाते हैं हम सेकंड स्टेप, वो है आपको एसपी टूल डाउनलोड करना है। एसपी टूल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपका कोई न्यू वर्जन में, अपडेटेड वर्जन में आपका इंटरफेस अलग आता है मेरे वीडियो से, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेम ही थिंग करना है, कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने पहले सबसे पहले आपको दोनों को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। याद रखिए दोनों को एक्सट्रैक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्टॉक रूम और एसपी टूल दोनों को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। जैसे आप एसपी टूल को एक्सट्रैक्ट कर दो तो इसके अंदर आपको इतने सारे फोल्डर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हो जो फ्लैश टूल का जो आइकॉन है, यहाँ पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। और जैसे ये ओपन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा फाइल पहले से लोडेड है, बट आपका यहाँ पे पूरा एम्प्टी आने वाला है। तो मैं पहले यहाँ पे जो सेकंड वाला यानी स्कैटर लोड पे, यहाँ पर आप चॉइस पे जाएंगे। चॉइस पे जाने के बाद आप यहाँ पे इतने सारे जो डायरेक्टरी जहाँ पर आपने स्टॉक रूम डाउनलोड किया था ना, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसके अंदर 3 से 4 फाइल निकलेंगे। आपको उसमें देखना है स्कैटर कहाँ पे लिखा हुआ है, और वो ऑलमोस्ट 5 KB से लेके 50 KB के बीच में ही रहता है। तो आप उसे क्लिक करके यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे जैसे मेरा पहले ऑलरेडी सिलेक्टेड दिखा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी लोडेड है। यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड पे जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपको अपना फ़ोन कनेक्ट करना है। अगर आपके फ़ोन से बैटरी निकल जाता है तो बिना बैटरी, मतलब बैटरी निकाल दीजिए फिर कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपका फ़ोन का बैटरी नहीं निकलता, क्योंकि आजकल के डिवाइस में बैटरी इनबिल्ट आता है, यानी उसके अंदर लगा हुआ आता है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपडेटेड एसपी टूल्स में ऑटो में अपने आप वो सेलेक्ट कर लेता है। तो जैसे आप इसे कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो फोन का डिवाइस दिखा रहा है और यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। आपको यहाँ पर कम से कम 10 से 15 मिनट टाइम लगेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका USB केबल हिलना नहीं चाहिए। अगर आपका USB केबल हिल जाता है तो फेल हो जाएगा, फिर से आपको स्टार्टिंग से करना पड़ जाएगा। तो मैं बेस्ट बताता हूँ, स्टार्टिंग में ही आप अपना अच्छे से USB केबल को इंसर्ट कर लीजिए प्रॉपरली, बिना किसी हिले डुले, या तो आप टेबल पर रखते तो ऐसे जगह रखिए कि अगर आप उठते भी हैं तो वो हिले ना, एक प्रॉपरली एक स्थिर जगह रखिएगा और यहाँ पर वो काम हो जाएगा। उसके जैसे देख सकते हैं मेरा डाउनलोड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ओके करने के बाद आप नॉर्मली फ़ोन ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे फ़ोन ओपन हो जाएगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरा एंड्रॉयड का था माइक्रोमैक्स E090 और ये ओपन हो चुका था। तो आशा करते हैं वीडियो कोई ना कोई एंगल से आपको पसंद आया एक लाइक बटन दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट है आप किसी भी कमेंट सेक्शन में, यानी मेरे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।